जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो हर एक की जिंदगी में है, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। वाह, क्या खूब और सही कहा है किसी ने। हम सबको मालूम है जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं। आप या तो उन मुश्किलों के आगे डटकर खड़े रहकर उनका सामना बहादुरी से कर सकते हैं, या फिर हालातों से डर कर भाग सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मीट्स और आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। आज मैं लेकर आई हूं टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, यानी मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं की ऑडियो बुक समरी, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट एच शुलर। इस किताब के लेखक एक बहुत फेमस अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिन्होंने अन्य कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी थी। इस किताब के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो हार नहीं मानना चाहता, लेकिन आपके सामने एक असंभव स्थिति है, तो आप इस बुक समरी को सुनकर अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब है। ये बुक समरी आपको तब तक डटे रहने की प्रेरणा देगी जब तक कि आपके जीवन में उजाला ना आ जाए, और अगर हालातों या मुसीबतों ने आपका जीवन बंजर कर दिया है, तो इसी बुक समरी के माध्यम से आप सीख सकेंगे कि जहां आपने अपने जीवन का पौधा लगाया था, उन जड़ों को मजबूत कैसे किया जाए। अगर आप एक बहुत ही कठिन स्थिति में हैं, तो इस पुस्तक के माध्यम से आप जानेंगे कि अपने अंदर एक स्थिर भाव कैसे लाएं, साहसी कैसे बने और एक जोखिम भरा कदम कैसे उठाएं। इस बुक समरी के माध्यम से लेखक हमें ये भी बताते हैं कि जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन हर समस्या का एक सीमित समय होता है। ज्यादातर समस्याएं एक महीने या एक वर्ष से अधिक नहीं टिकती। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उसी प्रकार हर समस्या में कुछ ना कुछ सकारात्मक संभावनाएं होती हैं, और हमें हर समस्या से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आमतौर पर जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तो उस स्थिति में हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। कई बार समस्या छोटी ही होती है, लेकिन हम उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ये बुक समरी हमें ये बताएगी कि हमें हमारी समस्या को उचित नजरिए से देखने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो मानो हमारा दिमाग सुन पड़ जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को ना जाने क्या हो जाता है। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम समस्या के सल्यूशन पर फोकस्ड रहेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी समस्या का हल निकलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस किताब के द्वारा हमें समझाई है, वो ये कि हम सबके अंदर किसी भी समस्या को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता होती है। अपने नजरिए से या फिर अपनी क्षमता से हम या तो उस समस्या को बेहतर बना सकते हैं या फिर बदतर। ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। पहले भाग में लेखक ने कुछ प्रसिद्ध और कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताई है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखे और कैसे वे उन संघर्षों से उभरे। इस भाग में लेखक ने अपने संघर्षपूर्ण और कठिन बचपन के बारे में इतना सजीव वर्णन किया है कि आप उनके बचपन के दौर में आने वाली परेशानियों को इस तरह महसूस कर पाएंगे जैसे ये सब
आपके साथ ही घटित हुआ हो। इस किताब के भाग दो में लेखक ने बताया है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या होती है। ऐसा सोचना और मानना कि हमारा जीवन समस्या मुक्त हो, ये एक भ्रम है, एक धारणा है जो हमें गुमराह कर सकता है। और अगर हम इस समस्या मुक्त जीवन की कल्पना करते रहे तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को यूं ही नष्ट करते रहेंगे। लेखक हमें समझाते हैं कि कैसे हम सकारात्मक तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। भाग तीन में आप जानेंगे कि कैसे लेखक ने इंग्लिश अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स का इस्तेमाल कर एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक एक्शन वर्ड्स यानी क्रियात्मक शब्द बनाए हैं जिन्हें सुनकर आप प्रेरित हो जाएंगे। और अगर आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं तो इन 26 अत्यंत सकारात्मक शब्दों को सुनकर आप अपनी समस्या पर निश्चित ही कार्य कर पाएंगे और उन हालातों में भी आप जीत पाएंगे। लेखक ने इस किताब के माध्यम से हमें ये भी समझाने की कोशिश की है कि सफल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वे अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को हरा देते हैं और जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं। वे ये भी बताते हैं कि अगर आप जीवन में असफल हो जाते हैं तो उसे बस एक घटना ही मानिए, और अगर हम असफल हो भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा असफल होंगे। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का? अपने जीवन में आई समस्याओं का समाधान पाने के लिए, उन्हें सही नजरिए से देखने के लिए, अपने जीवन में कठिन समय से उभरने के लिए और सकारात्मकता से अपने जीवन का चार्ज लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? ये सब जानने के लिए बढ़ते हैं हम अपने पहले भाग की तरफ जिसका नाम है मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, लेखक ने इस अध्याय में हमें 1980 के उस दौर का वर्णन करते हुए भयानक आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन के प्रभाव के बारे में बताया है जिसने दुनिया के अधिकतर हिस्से को प्रभावित किया था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विशाल रूप से सबसे गंभीर मंदी माना जाता है। इस आर्थिक मंदी की चपेट में आम जनता से लेकर बड़े लोग भी आ रहे थे। एक के बाद एक कंपनीज अपने आप को बैंककरप्ट घोषित कर रही थी और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही थी। पूरे अमेरिका में भी इस आर्थिक मंदी का दौर फैल चुका था और देश की स्थिति खराब हो रही थी। ऐसे में नेता और पॉलिटिकल पार्टीज को तो जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ही मिल गया था। हर व्यक्ति इस समस्या के लिए एक दूसरे पर बस इल्जाम ही लगा रहा था। कोई भी इसका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस किताब के लेखक जो क्रिस्टल कैथेड्रल धर्म समुदाय के धर्मगुरु भी थे और नेशनल टेलीविजन मिनिस्ट्री के प्रमुख होने के नाते वे खुद भी पर्सनली इस आर्थिक मंदी के प्रभाव को सह रहे थे। बाकी अमेरिका वासियों की तरह उन्हें भी आर्थिक मुश्किलों के दौर का सामना करना पड़ रहा था। वो वक्त वाकई सबके लिए बहुत कठिन था, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि उस दौरान सबका नजरिया नकारात्मक हो गया था यानी नेगेटिव हो गया था, और धीरे धीरे ये नेगेटिविटी हर लोगों के वर्ग में फैलती जा रही थी। नेगेटिविटी ने लोगों के दिलों, दिमाग और यहां तक कि उनकी आत्माओं पर भी कब्जा कर लिया था। इस किताब के लेखक रॉबर्ट एक मोटिवेशनल स्पीकर थे और इन्हीं हालातों और इस माहौल में उन्हें शिकागो के हिल्टन होटल में 3,500 लोगों के एक बहुत बड़े ग्रुप को प्रेरणादायी भाषण देना था। खैर, उनके लिए ये कुछ नया नहीं था,
क्योंकि वे पूरे अमेरिका में डॉक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स और टीचर्स को बहुत सालों से भाषण देते आ रहे थे, लेकिन वे इस बड़े ग्रुप को भाषण देने के लिए बहुत उत्साहित थे क्योंकि ये सभी लोग कृषि उद्योग के सदस्य थे और वे बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे थे। आर्थिक मंदी की वजह से इनके खेत छीने जा रहे थे, उनके व्यवसाय डूब रहे थे, उन पर और उनके परिवार वालों पर बहुत भयानक दबाव पड़ रहा था। क्या ऐसे लोग जो हर तरफ से अपनी उम्मीद को खो चुके थे, उनको प्रेरणादायक भाषण देना आसान था? लेखक खुद भी एक किसान परिवार से थे और वे वहां बैठे इतने सारे लोगों की मन की स्थिति को भांप सकते थे। इस भाषण के माध्यम से वे वहां उपस्थित उन किसानों से एक रिश्ते की डोर जोड़ना चाहते थे, लेकिन लेखक जब हिल्टन होटल पहुंचे तो वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें कहा कि अंदर बैठे लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वे इस मानसिक स्थिति में नहीं हैं कि वे उनके मजेदार किस्से और कहानियां सुने, और ना ही वे ये चाहते थे कि लेखक उन्हें प्रेरणा दे और कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां बैठे लोगों को उम्मीद चाहिए थी। ऑर्गेनाइजर से ये सब सुनने के बाद लेखक मंच पर चले गए, जहां पर उनका स्वागत तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ हुआ। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि वे उन सबके सामने क्या बोलें। वे अंदर से कांप रहे थे क्योंकि जिस भाषण को उन्होंने अपने मजेदार किस्से और कहानियों से तैयार किया था, अब वो किसी काम का नहीं था। वे अंदर से बेचैन थे और मंच पर जाते ही वे इस छोर से उस छोर तक टहलने लगे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां बैठे परेशान लोगों से क्या कहें। वे मन ही मन अपने विचार इकट्ठे करने की कोशिश करने लगे और उन्होंने वहां बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे एक प्रश्न पूछा। मुझे बताया गया है कि आप सभी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्या ये सही है? इस सवाल ने वहां बैठे लोगों का ध्यान खींच लिया था और इस वजह से लेखक को थोड़ा और सोचने का समय मिल गया। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने हमें समझाया है कि एक प्रभावशाली भाषण सिर्फ प्रवचन देना नहीं होता, बल्कि प्रमाण होता है, यानी प्रूफ। एज अ पब्लिक स्पीकर, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं और आपके पास लोगों को सलाह देने के लिए कुछ भी ना हो, तो आप उन्हें अपनी कहानी सुनाइए। अगर आपका खुद का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, आपने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है और आपने अपनी कभी ना टूटने वाली हिम्मत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला है, तो आप अपने जीवन की कहानी अपने ऑडियंस को जरूर सुनाइए, क्योंकि सभी को एक अच्छी कहानी सुनना बेहद पसंद है। इसी आधार पर लेखक ने तय किया कि वे लोगों को बताएंगे कि उनके जीवन में भी बहुत सारे मुश्किल दौर रहे थे। ऐसा कठिन वक्त था जो इस आर्थिक मंदी से भी ज्यादा कष्टकारी और विनाशकारी था, जब उन्होंने और उनके परिवार वालों ने घातक तूफान यानी टॉर्नेडो का सामना किया था। अपने जीवन में उन्होंने ऐसा वक्त देखा था जब ठिठुरती सर्दियों से बचने के लिए उनके पास कोयला खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। लेखक के पिता एक किसान थे और उनके खेत की फसल ही उनके परिवार के लिए सब कुछ होती है, लेकिन अगर साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब बारिश के नाम पर भीषण सूखा पड़ जाए, ऐसे हालातों का लेखक ने कैसे सामना किया होगा? कैसे उन्होंने इतने संघर्षों से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की होगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।
दोस्तों, लेखक के पिताजी एक किसान थे। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। एक किसान की तपस्या इतनी कठिन होती है कि तपती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश भी उसकी इस तपस्या को तोड़ नहीं पाते। लेखक के पिताजी ने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी थी, क्योंकि उनके माता पिता उनकी टीनेज में ही गुजर गए थे, और जिस वजह से लेखक के पिताजी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने वही काम किया जो वे कर सकते थे, और वो था लोकल फार्मर्स के यहाँ मजदूरी। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से लेखक के पिताजी ने एक दिन इतने पैसे जोड़ लिए कि वे 160 एकड़ का खेत खरीद पाए। अफसोस, उन्होंने इसे तब खरीदा जब कीमतें आसमान छू रही थीं। एक किसान के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। उस वक्त भी एक भयानक मंदी का दौर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जमीनों के दाम गिर चुके थे। हर तरफ एक डर फैल चुका था। लेखक उस समय 3 साल के थे, और ऐसे हालातों में अमेरिका के किसानों के पास सिर्फ अपनी अपनी जमीनों का ही सहारा था। लेखक बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्हें सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, क्योंकि सर्दियों की उस ठंड में, जब तापमान 0 से भी कम होता था, उस ठंड से बचने के लिए उनके पास कोयला खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। घर के आसपास लगे पेड़ों को ईश्वर की मूल्यवान देन माना जाता था, इसीलिए कभी उन्हें काटने का सोचा ही नहीं गया। वसंत और शरद ऋतु दोनों ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि वसंत ऋतु में जई और मक्का बोया जाता था और शरद ऋतु में उसे काट लिया जाता था। लेखक ने अपने घर में सुअरों को पाला हुआ था, और वे उन्हें खाने के लिए मक्का देते थे। जब सभी सुअर मक्के को खा लेते थे तो लेखक अपनी खाली टोकरी लेकर उन सुअरों के बीच जाते थे, और वे कैसे भी करके मक्का के हर उस डंठल को उठा लेते थे जिन्हें सुअर दाने खाने के बाद छोड़ देते थे। ये डंठल उनके लिए बहुत कीमती थे। उन्हें रसोई घर के चूल्हे में डाला जाता था, और घर को सर्दी से बचाने के लिए ड्राइंग रूम के छोटे से स्टोव में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। अपने साथ घटे ये सभी अनुभव लेखक उस शानदार हिल्टन होटल में बैठे 3,500 संघर्ष करते हुए किसानों को सुना रहे थे। उन्होंने कहा, कठिन वक्त तो वो था जब उनके पास उस ठंड से बचने के लिए कोयला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेखक ने आगे बताया कि ठंड खत्म होने के बाद उन्हें भीषण सूखे का सामना करना पड़ा, जो वर्षों तक चला, जिसकी वजह से देश तो बर्बाद हो ही रहा था, लेकिन किसानों द्वारा बोए गए बीजों को वसंत ऋतु की सामान्य बारिश भी नसीब नहीं हुई। लेखक ने बताया, उन हालातों में उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप बीज बोने का जोखिम कैसे उठा लेते हैं, जिस पर उनके पिताजी ने उन्हें उत्तर दिया कि जो लोग अपनी जिंदगी में जोखिम नहीं लेते, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेखक के पिताजी बेसब्री से बारिश का इंतजार करते थे, और जब 3-4 हफ्तों तक भी बारिश नहीं होती थी तो वे गहरी चिंता में डूब जाते थे। लेकिन ऐसे हालातों में भी वे प्रार्थना करना कभी नहीं भूलते थे। वे उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपनी जमीन और फसल को बचाने की प्रार्थना करते थे, लेकिन 1 साल तक भी ईश्वर खामोश रहे। हर दिन भीषण सूरज की गर्मी में फसलें बर्बाद होती रहीं। बादल भी सिर्फ लुका छिपी का खेल खेलने आते थे, थोड़ी देर के लिए दिखते थे और फिर ना जाने कहाँ छिप जाते थे। लेखक ने ऐसा वक्त देखा जब तेज हवाएं चलती थी और फिर आंधी। आसमान में चारों तरफ बस धूल ही धूल दिखती थी। इस आंधी ने मक्का की उन गिनी चुनी कतारों को भी बर्बाद कर दिया था जो सूखे से बचने में कामयाब हुई थी। हर तरफ तबाही फैल गई थी। आंधी इतनी भयानक थी कि उसकी वजह से नदी का पानी कम हो जाता था।
फ्लॉयड नदी, जो लेखक की बचपन की साथी थी, जिसके किनारे वे लेटकर घंटों उस नीले आसमान को देखते थे और अपने आप को सृष्टि के रचयिता के करीब महसूस करते थे। उस स्थान पर वे एक ऐसी जगह की कल्पना करने लगे कि जब वे परेशान हो, दिन हो या रात हो, वे बस वहाँ प्रार्थना कर सकें, उनका मन असीम शांति से भर जाए। बरसों बाद उनका ये सपना क्रिस्टल कैथेड्रल चर्च के रूप में पूरा भी हुआ, लेकिन उस समय भीषण सूखे ने नदी को सुखा दिया था और फसलों को भी। हर तरफ मौत ही मौत दिखती थी। गर्मियों के बाद जब शरद ऋतु आई तो देश भर के अखबारों में ये छपा कि मध्य पश्चिमी कृषि क्षेत्र विनाश की चपेट में है, जो कि आर्थिक मंदी जितना ही भयानक था। अमेरिका की ब्रेड बास्केट सूख चुकी थी। उस साल लेखक के पिता सिर्फ आधी गाड़ी मक्का की फसल काट पाए, जो आधा एकड़ भूमि पर हुई थी। जमीन के नीचे का कोई रहस्यमय सोत्र इस टुकड़े को सींच रहा था, लेकिन सिर्फ आधी गाड़ी मक्का पर भी लेखक के पिता खुश थे, क्योंकि उन्होंने कुछ गवाया नहीं था और वे ईश्वर के शुक्रगुजार थे। लेकिन सभी किसानों में लेखक के पिताजी जितनी आस्था नहीं थी और उन्होंने अपने अपने खेतों को बेचने का सोच लिया था और वे अपना खेत छोड़कर जाने लगे थे। लेखक के पिताजी एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति थे और अपनी विल पावर से वे डटे रहे। उन्होंने बैंक से मदद मांगी और वायदा किया कि अगर उन्हें मदद मिलेगी तो वे बैंक वालों का पैसा लौटा देंगे। बैंक ने लेखक के पिताजी पर भरोसा किया और उनके कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ा दी गई। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ सालों बाद लेखक बड़े हो चुके थे और वे कॉलेज में पढ़ने चले गए। अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वे घर आए हुए थे, लेकिन उस समय लेखक और उनके परिवार वालों को एक खतरनाक टॉर्नेडो यानी भयानक तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें उनका घर और खलिहान सब नष्ट हो गए। लेखक के पिता उस समय 60 साल से अधिक थे। अपने खेत का मालिक बनने की कोशिश में उन्होंने 24 साल तक कड़ी मेहनत करी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कर्जदाताओं से इस जगह को बचाने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। टॉर्नेडो द्वारा इस तबाही के बाद जब लेखक के पिता उस जगह पहुंचे तो उन्हें आसपास फैले टूटे फूटे सामान में और हर तरफ फैली उस बर्बादी में एक तख्ती मिली, जो उनकी किचन की दीवार पर लगी हुई थी, जिस पर एक संदेश लिखा था, देखते रहो ईसा मसीह की ओर। और लेखक के पिता उसे अपने साथ ले आए और कहने लगे, डटे रहो और अभी मैदान मत छोड़ो। जीवन में सब कुछ खत्म होने के बाद भी वे टूटे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हार मानने से मना कर दिया था। उनके अंदर गहरी आस्था थी, ऐसी आस्था जो पहाड़ हिला दे और जो कैसी भी स्थिति में परिवर्तन ला दे। उनके अंदर डटे रहने की असीम शक्ति थी। इस पूरी तबाही के 2 हफ्ते बाद ही लेखक के परिवार को पास के इलाके में एक पुराना घर मिला, जिसे तोड़ा जाना था, और उनके परिवार वालों ने उस घर को कुछ डॉलर्स में खरीद लिया और जल्द ही अपने पुराने घर की जगह एक छोटा सा नया घर बना लिया। कुछ साल बाद फिर से कीमतें तेजी से बढ़ी, अनाज के भाव बढ़े और सारा कर्ज 5 साल के अंदर ही चुकता हो गया। जब लेखक के पिताजी की मृत्यु हुई तो तब वे एक सफल व्यक्ति थे। लेखक ने हॉल में बैठे लोगों से पूछा, तो आप सबके सामने मुश्किलें हैं, क्या ये मुश्किलें उन मुश्किलों से भी बड़ी हैं जो मेरे पिताजी ने झेली थी? क्या आपने भयानक तूफान में अपना सब कुछ खो दिया है? क्या आपका भी मन ये करता है कि आप सब कुछ छोड़ दें और अपना खेत बेच दें? तो मैं
आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। लेखक के इन प्रेरणादायी शब्दों को सुनने के बाद पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। वहां बैठे 3,500 किसान जो निराश हो चुके थे, जिन्होंने उम्मीद खो दी थी, उनके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी और वे फिर से सपने देखने लगे। लेखक ने आगे कहा कि मैं आपको उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने जीवन में मुश्किलों में भी डटे रहे। कठिन वक्त में उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई, बल्कि अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी मुश्किलों को हरा दिया और वे जीत गए। इस राह को लेखक ने द पॉसिबिलिटी थिंकिंग पाथ का नाम दिया है, यानी उम्मीदों से भरा रास्ता। ऐसा रास्ता जिस पर चलने से निराशा से ज्यादा उम्मीद देखी जाती है, जहां इम्पॉसिबिलिटीज कम और पॉसिबिलिटीज ज्यादा देखी जाती हैं। इस रास्ते के बारे में लेखक बरसों से भाषण देते आ रहे हैं और संघर्षों में भी लोगों को डटे रहने की प्रेरणा देते हैं। इस राह पर चलने से हमें खुशियां, सफलता और संपन्नता मिलती है। तो चलिए जानते हैं अपने अगले अध्याय में कि कैसे इस रास्ते पर चलकर अपनी विल पावर से, पॉजिटिव एटीट्यूड से और डटे रहने की असीम शक्ति से लोगों ने अपने जीवन में आई मुश्किलों को हराया और खुद कैसे जीते। दोस्तों, जब जीवन की राह पर कठिनाइयां हो और जीवन संघर्षपूर्ण हो, तो साहसी लोग डटे रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे युद्ध के मैदान में एक वीर योद्धा अंत तक डटा रहता है और जीत उसी की होती है। इन सफल लोगों का क्या रहस्य है? वो अपने अंदर डटे रहने की शक्ति कैसे और कहां से लाते हैं? आखिर ये साहसी लोग कैसे मुश्किलों को हरा देते हैं, जबकि बाकी लोग मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं? ये सभी प्रश्न हमें सोच में डाल देते हैं, है ना? तो चलिए जानते हैं और ध्यान देते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर जो लेखक ने हमें इस अध्याय में बताई हैं। उन्होंने इस अध्याय में हमें एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि लोग आलूओं की तरह होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आलूओं की तरह। वो ऐसे, जब उनके यहाँ आलू उगाने वाले किसानों की फसल पक जाती है और जब वे आलूओं को बेचने जाते हैं, तो पहले उन्हें अलग करके बड़े, मध्यम और छोटे आकार में बांट लिया जाता है और फिर उन्हें बोरे में बंद करके बेच दिया जाता है। लेकिन उन किसानों में से एक किसान ऐसा था जिसने आलू छांटने का कष्ट कभी नहीं किया था, फिर भी वो किसान सबसे ज्यादा पैसे कमाता था। सब किसान हैरान थे कि वो इतना पैसा कैसे कमा लेता था। खैर, एक दिन परेशान होकर उसके पड़ोसी ने उसे पूछ ही लिया कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। इस पर उस किसान ने कहा, बहुत आसान है, मैं आलू के बोरे अपनी गाड़ी में भर लेता हूँ और फिर दूर शहर तक जाने वाली सबसे खराब सड़क से गुजरता हूँ। 8 मील लंबे इस रास्ते पर सबसे छोटे आलू हमेशा सबसे नीचे पहुंच जाते हैं, मध्यम आकार के बीच में रह जाते हैं और सबसे बड़े आलू ऊपर रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि यही जीवन का नियम है। बड़े आलू ऊबड़ खाबड़ सड़क पर सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं और ऐसे ही संघर्ष करने वाले अपने कठिन वक्त में शिखर पर पहुंच जाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने अमेरिका की कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बताया है, जैसे मैरी मार्टिन, जॉन प्रंटी, बेनो फिशर इत्यादि। इनमें से कुछ लोगों ने लेखक को टीवी पर प्रेरणादायक भाषण देते हुए सुना था, किसी ने लेखक के साथ काम किया था, तो कोई अनएम्प्लॉयड और डिवोर्स था, कोई रनर था और दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हो गया था।
लेखक की खुद की बेटी जो एक मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गई थी और इस वजह से घुटने के नीचे से उसका पैर काटना पड़ गया था। ये सभी लेखक द्वारा बताए गए रास्ते पर डटे रहे और इन सभी ने अपने जीवन में ये साबित किया कि जीवन में जो संघर्ष करते हैं और डटे रहते हैं वे कैसे भी तूफान का सामना कर उससे बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और वे जरूर जीतते हैं। ये रास्ता हमें सिखाता है कि अगर हमारे संघर्षों के दौरान कोई नया आइडिया या विचार हमारे मन में आता है और अगर हमें ये जानना हो कि वो आइडिया सही है या गलत, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए हमें अपने आप से 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाहिए। आइए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कारणवश अपने जीवन में हम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और इस दौरान हमारे दिमाग में एक नया फूड बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है, तो हमें अपने आप से ये 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। पहला प्रश्न आप पूछिए कि क्या ये बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है और क्या ये लोगों की इम्पॉर्टेंट नीड्स को फुलफिल करेगा। दूसरा प्रश्न आप पूछिए कि क्या ये बिजनेस खूबसूरती से करा जा सकता है। तीसरा, क्या आप इस बिजनेस को यूनिक तरीके से चला सकते हैं कि ये दूसरे बिजनेस से थोड़ा हटकर हो। और चौथा प्रश्न आप पूछें, क्या आपका ये प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। अगर इन 4 प्रश्नों का उत्तर हाँ में है, अगर आप क्रिएटिव हैं, मेहनती हैं, आपके दिमाग में अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे नए आइडियाज हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप इस बिजनेस आइडिया के साथ जरूर आगे बढ़िए। ये जरूरी नहीं कि बिजनेस के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपके पास बस एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छे आइडिया के साथ सच्ची लगन और डटे रहने की शक्ति चाहिए, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। लेखक हमें बताते हैं, उम्मीदों से भरा ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। इस रास्ते ने मुश्किल समय में असंख्य लोगों की मदद की है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इस समरी के माध्यम से लेखक हमें समझाएंगे कि कैसे संघर्ष भरे वक्त में हम सही सलामत निकल सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और कैसे हम मुश्किलों से जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें लेखक द्वारा बताई गई दिशा पर चलना होगा और अपनी समस्याओं की तरफ अपना नजरिया बदलना होगा। और ये सब जानेंगे हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में, जिसका नाम है कैसे आप भी अपने टफ टाइम्स के दौरान स्ट्रॉन्ग और टफ बनकर सफल हो सकते हैं, जहां लेखक हमें बताएंगे कि हम अपनी समस्या को किस नजर से देखें, कि हम कठिन से कठिन समस्या में भी डटकर खड़े रहें। सफल लोग अपने जीवन में समस्याओं को किस तरह देखते हैं, ऐसे कौन से वो सिद्धांत हैं जिन्हें हम अगर जान लें, समझ लें और अपने जीवन में उन पर अमल करें तो हम सफल हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो क्या राज है संघर्ष करने वाले लोगों का? उनके अंदर ऐसा कौन सा रहस्यमयी तत्व है जो उन्हें सफल होने की क्षमता प्रदान करता है? वे मुश्किल समय में कैसे डटकर खड़े रहते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? लेखक बताते हैं कि इसका जवाब बहुत आसान है। वे सभी अपनी समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखते हैं, यानी वे उन समस्याओं को एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और वे उन 6 सिद्धांतों को समझते हैं जो सभी समस्याओं पर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं संक्षिप्त में वो 6 सिद्धांत जो लेखक ने हमें इस अध्याय में समझाए हैं
और अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लें और अपने जीवन में इन पर अमल करें तो हम भी मुश्किलों में जीत सकते हैं। पहला सिद्धांत है, हर इंसान के पास समस्याएं होती हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही के पास समस्या है? नहीं, अमीर हो या गरीब, नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन, या फिर कोई रिटायर्ड व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि सफल लोगों के पास समस्याएं नहीं होती? उनके पास तो हमसे भी ज्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में नए तरीके की समस्याएं आती हैं। जैसे इतनी बड़ी कंपनीज को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना इत्यादि। जब सफल लोग अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, तब भी उनके सामने ये समस्या आती है कि अब वे आगे क्या करें। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपका जीवन समस्या मुक्त हो, तो ये एक भ्रम है जिसकी कल्पना करते करते आप अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को नष्ट कर देंगे। दूसरा है, हर समस्या एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है। आपकी कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती। अगर आज आपके पास समस्या आई है तो वो चली भी जाएगी, अगर आप उसे समय पर सुलझा लेते हैं तो। तीसरा है, हर समस्या में पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज होती हैं। हर समस्या में आपके लिए या फिर दूसरे के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। अगर आपके लिए वो समस्या है तो दूसरे के लिए ये एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए अगर हम बीमार पड़ते हैं तो ये हमारे लिए समस्या है, लेकिन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। चौथा, हर समस्या हमें बदल देगी। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आई है तो वो निश्चित ही हमें बदल देगी। वो समस्या हमें पहले से इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड और बेटर बना देगी। हो सकता है वो हमें पहले से बदतर भी बना दे, लेकिन हमारी समस्या हमें बदल देगी। पांचवा है, आप चुन सकते हैं कि आपकी समस्या आपके साथ क्या करेगी। लेखक बताते हैं, अगर आप समस्या में हैं तो आप उस सिचुएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन उस सिचुएशन के प्रति कैसा होना चाहिए ये आपके हाथ में है। उदाहरण के तौर पर, आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप अपने साथ हुई इस समस्या को अपने साथ कैसा सलूक करने देंगे? ये समस्या आपको कमजोर बनाएगी या फिर सख्त? ये आपको बेहतर बनाएगी या फिर कड़वा? ये आप पर निर्भर करता है। जब हम अपने जीवन में आई अनकंट्रोल्ड सिचुएशन के प्रति अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं, तो हम उस समस्या के इफेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। और छठा है, हर समस्या के लिए हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिएक्शन होता है। लेखक बताते हैं कि संघर्ष करने वाले लोग मुश्किलों को सिर्फ इसीलिए हरा पाते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन अपनी समस्या के प्रति पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने कर्जदारों से बहुत बड़ा कर्जा लिया है और उसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति का पॉजिटिव रिएक्शन क्या हो सकता है? लेखक बताते हैं, हमें किसी भी समस्या का पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साहसी बनना पड़ता है। इस केस में हमें अपने कर्जदारों का सामना साहस से करना आना चाहिए और हमें ऑनेस्टी से उनके साथ डील करना आना चाहिए। ये एक पॉजिटिव रिएक्शन है। अगर वे हमारे ऊपर कर्ज चुकाने का दबाव डालते हैं और हमें और समय देने से मना करते हैं, तो लीगल रास्ता चुनें और बैंकरप्सी के लिए फाइल करें। इस बीच हमें इतना समय जरूर मिल जाएगा कि हम
बिना कोई अपराध किए और बिना कोई गलत काम किए अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इसी सिचुएशन में नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा? अगर कर्ज चुकाने के डर से वो व्यक्ति कहीं भाग गया या फिर निराशा से उसने सुसाइड करने का सोचा, तो ये नेगेटिव रिएक्शन हुआ। लेखक ने बताया कि हमें अपनी समस्याओं को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि समस्याओं के समाधान ढूंढने के बाद भी कुछ समस्याएं ऐसी रह जाएंगी जिनके समाधान शायद हमें ना मिले। ऐसे में हम उस समस्या को मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस राह पर विश्वास करते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगले अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे हम अपनी समस्याओं को क्रिएटिवली मैनेज कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं। कई बार हम अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते। ऐसे में हमें उस समस्या को मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन हम उस समस्या को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए लेखक ने हमें कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत बताए हैं। आइए जानते हैं उन्हें संक्षिप्त में। पहला सिद्धांत है अंडर एस्टिमेट। किसी भी समस्या को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हो सकता है कि वो समस्या अभी छोटी हो, लेकिन अगर हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर यही समस्या आगे जाकर बड़ी बन जाती है। कभी कभी जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन अगर आप ध्यान से उस समस्या को समझें और एक पॉजिटिव तरीके से उसे देखें, तो हम उस समस्या के समाधान तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, अपनी समस्या को राई का पहाड़ मत बनाइए। कई बार हमारे जीवन में समस्या तो छोटी सी होती है, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। इतना बड़ा कि हम उससे रिलेटेड बड़ी डिसीजंस भी ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब मैं आगे क्या करूं? इस समस्या का समाधान मैं कैसे निकालूं? अगर समस्या को बड़ा करने की बजाय हम इन सब बातों पर ध्यान दें और ईश्वर में आस्था रखें, तो हमें कठिन समय में सामना करने की शक्ति मिलेगी। तीसरा, इंतजार मत कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है तो आप इंतजार मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी समस्या का समाधान खुद ब खुद निकल जाएगा। भला ऐसा कभी हुआ है? आपको अपनी समस्या को समझकर उसके प्रति प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। आप खुद रिस्पॉन्सिबल बने। दूसरों से आप सलाह जरूर लीजिए और फिर सोच समझकर एक्शन लीजिए। चौथा, समस्या को बिगाड़े नहीं। आपका अपनी समस्या की तरफ या तो पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है या फिर नेगेटिव। जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम डर जाते हैं या हमें गुस्सा आता है, और इन सभी रिएक्शन से हम समस्या का समाधान तो नहीं निकाल पाते, लेकिन अपनी समस्या को और बिगाड़ लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम अपनी समस्या की तरफ पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। पांचवा, अपनी समस्या को लेकर एक क्लैरिटी लाएं। अपने आप से कुछ सवाल पूछें, जैसे मुझे नई नौकरी चाहिए या मैं बिजनेस करूं। प्रश्न पूछते पूछते निष्कर्ष पर पहुंचे। जितनी जल्दी आपको आपकी समस्या के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ही जल्दी उसका समाधान भी मिलेगा। छठा, प्रेरणा। जब हम अपनी समस्याओं के प्रति पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव एक्शन के लिए प्रेरित हो जाते हैं। सातवां, अपनी प्रेजेंस फील कराएं। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से परेशान हैं, तो आप ऐसी जगह जाएं
जहां जॉब्स अवेलेबल हैं। जॉब वेबसाइट्स पर अपनी एप्लीकेशन अपडेट कीजिए, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड कीजिए कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उन सब का इस्तेमाल कर आप बताएं कि आप अवेलेबल हैं। आठवां, अपने सारे एफर्ट्स लगाइए। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर जी जान लगा दें। ये मत सोचिए कि मुझे कौन नौकरी देगा, मेरी तो उम्र हो चुकी है। अपने आप को ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आपको भी एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आपने किसी जगह अप्लाई किया है और आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो दोबारा फोन कीजिए। हर दिन कोई ना कोई नौकरी छोड़ता है जिससे हमारे नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नौवा, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलें। अगर आप किसी समस्या में हैं और आपको गहरा आघात लगा है, ये मत सोचिए कि आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं निकलेगा। ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। दसवां, समर्पण। क्या आपको मालूम है जब किसी के पास समस्या आती है तो हम पूरी तरीके से अपने आप को उस समस्या के प्रति समर्पित यानी डेडिकेट नहीं करते, इसीलिए हम असफल हो जाते हैं। ग्यारहवां, कम्युनिकेट करें। अगर आपको अपनी समस्या के लिए किसी और की मदद चाहिए तो प्लीज कम्युनिकेट करें। सामने वाले को बताएं कि आप समस्या में हैं। अपना ईगो बीच में ना आने दें, इससे नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि अपने ईगो की वजह से हम मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। उस मदद को अस्वीकार ना करें जो आपको मिल सकती है। और बारवां है, नेगेटिविटी से दूर रहें। दोस्तों, जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो जाहिर सी बात है हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम इन समस्याओं को कैसे सुलझाएं। हम चिंतित हो जाते हैं। अगर ऐसे वक्त पर आप अपने आप से नेगेटिव टॉक्स करते रहेंगे, जैसे इट्स इम्पॉसिबल, अब कोई रास्ता नहीं बचा या सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसे वाक्यों से आपकी सोच कभी भी पॉजिटिव नहीं बन पाएगी। ये भी ध्यान दीजिए कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे आपकी समस्याओं के बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सजेशंस देते हैं। वो आपको पॉजिटिव सजेशंस देते हैं या फिर नेगेटिव। इन सब का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा ये याद रखिए, अगर आप ऐसे वक्त पर अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो आप अपनी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, और अगर समाधान ना निकाल पाए तो आप समस्या को मैनेज कर सकते हैं। लेखक बताते हैं इन सभी सिद्धांतों में से तब तक कोई भी सिद्धांत काम नहीं करेगा जब तक हम अपनी लाइफ का और अपने थॉट्स का पॉजिटिव कंट्रोल अपने हाथ में ना लें। तो चलिए अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि वे अपने जीवन का चार्ज खुद नहीं लेते, वे रिस्क नहीं लेते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। लेकिन जब हम अपने जीवन का चार्ज लेते हैं, अपने अंदर के लीडर को जगाए रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और लीडरशिप को दूसरों के हवाले नहीं करते, तो हम अपनी समस्याओं को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लीडरशिप क्या है? एक ऐसी ताकत जो आपके गोल्स तय करती है, आपके सपने साकार करने में मदद करती है और आपको सफलता की तरफ ले जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी समस्याओं के लिए एक लीडर की तरह एक्ट करें, चार्ज लें और रिस्पॉन्सिबल बने। आइए जानते हैं संक्षिप्त में लेखक द्वारा बताए गए डायनामिक लीडरशिप के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जिन पर अमल करके अपनी समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। पहला सिद्धांत है,
अपने अंदर के लीडर को जगाए रखें और लीडरशिप को कभी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के हवाले ना करें। जैसे अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं हैं, तो आप लीडरशिप को गरीबी के हवाले मत कीजिए। आपको जितने पैसों की ज़रूरत है उनको अरेंज करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर मिल जाएगा। दूसरा, लीडरशिप को लोगों के रिएक्शंस के हवाले ना करें। लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर या फिर उनके चेहरे देखकर ये डिसाइड ना करें कि वो व्यक्ति हमें सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा करने से आप लीडरशिप को एक चेहरे के हवाले कर देते हैं। तीसरा, लीडरशिप को झूठ के हवाले ना करें। ऐसी बातें जो झूठी हैं और जो बेबुनियाद हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, इन बातों से बचें और लीडरशिप को ऐसी बातों के हवाले ना करें। चौथा, लीडरशिप को लिमिटेशंस के हवाले ना करें। ये सोचकर कि हम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं हैं, हम सही लोगों को नहीं जानते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसी अजम्पशंस हमें लिमिट करती हैं और हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कभी भी लीडरशिप को अपनी लिमिटेड थिंकिंग को सरेंडर ना करें। पांचवा, लीडरशिप को निराशा के हवाले ना करें। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम अपनी समस्याओं के दौरान परेशान हो जाते हैं, हम हालातों, लोगों से या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ नहीं पाते और हम निराश हो जाते हैं। ऐसे में हार नहीं माने और लीडरशिप को ऐसे हालातों के हवाले ना करें। छठा, लीडरशिप को व्हाट इफ्स के हवाले ना करें। कभी कभी आपको इतने अच्छे आइडियाज आते हैं लेकिन फिर आप उन आइडियाज के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें जब आपके दिमाग में आती हैं तो जिस अच्छे विचार के बारे में आपने सोचा होता है उसे आप पूरा नहीं कर पाते। अपनी लीडरशिप को नेगेटिव फैंटेसीज के हवाले ना करें। सातवां, डर के आगे समर्पण ना करें। समस्याओं के दौरान सभी को डर लगता है, सबके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन इस डर से आप कोशिश करना कभी मत छोड़िए। सफल होना या ना होना ये बाद की बात है, लेकिन अपनी लीडरशिप को अपने डर के हवाले मत कीजिए। आठवां, लीडरशिप को थकान के हवाले ना करें। कभी कभी अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। समस्याओं से जूझते जूझते अगर आप थक गए हों तो ऐसे में डिसीजंस मत लीजिए। ऐसे समय में अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने काम से ब्रेक लीजिए और एक छुट्टी पर जाइए। रिजुवनेट होकर आइए और एक फ्रेश फीलिंग के साथ अपना काम शुरू कीजिए। नौवा, लीडरशिप को गलतियों के हवाले ना करें। दोस्तों, जब हमारे मन में कोई अच्छा विचार आता है और कई बार वो विचार हम दूसरों से शेयर करते हैं तो बहुत से लोग उस अच्छे विचार में गलतियां ढूंढ लेते हैं, जैसे ये आइडिया तो ठीक नहीं है, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, ये तो पहले से कोई कर रहा है इत्यादि। ये सभी एक अच्छे विचार में गलतियां निकालते हैं और फिर हम उस अच्छे विचार के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो अपनी लीडरशिप को आप गलतियों के हवाले ना करें। दसवां, लीडरशिप को स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स के हवाले ना करें। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हो सकता है उस समस्या से जुड़े कुछ स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हों। स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लीडरशिप इनके हवाले ना करें। उदाहरण के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रतिशत बढ़ी है, इनसे इन्फ्लुएंस ना हो। ग्यारहवां, कभी कभार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते और जिसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता और हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ऐसे में लीडरशिप को सिचुएशंस के हवाले ना करें। बारहवां,
लीडरशिप को किस्मत के हवाले ना करें। अपनी लीडरशिप को कभी भी अपने भाग्य और लोगों द्वारा की गई भविष्यवाणियों के हवाले ना करें। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये किसी को भी मालूम नहीं होता है। कभी कभी भाग्य बताने वाले नेगेटिव प्रेडिक्शंस कर देते हैं, जिसे सुनकर हमारा माइंड उन नेगेटिव प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम हो जाता है और हम चाह कर भी सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकते। 13, लीडरशिप को दुश्मनों या दोस्तों के हवाले ना करें। जब जीवन में समस्या आती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हम सही राह पर नहीं चल रहे हैं, और कई बार क्रिटिसिज्म फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल उन लोगों को आपकी समस्या में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही वे उसका समाधान निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको सफल नहीं देखना चाहते, वो आपके दुश्मन होते हैं, और अपने दुश्मनों को अपनी लीडरशिप ना सौंपें। समस्याओं के दौरान हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमें सलाह देते हैं और अपने विचार हमसे शेयर करते हैं। आप अपने दोस्तों की सुनिए जरूर और अपने ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही लीजिए। 14, अपनी लीडरशिप को कभी भी अपने जीवन के कड़वे या दुखद अनुभवों के हवाले ना करें। इस जीवन में हमें हर तरह के अनुभव होंगे, अच्छे, बुरे, मीठे और कड़वे। लेखक ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अब से वो किसी भी महिला पर भरोसा नहीं करेगा। लेखक ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि अपनी आस्था आघातों पर नहीं, अपने सपनों पर रखें और इस आघात की वजह से अपना फ्यूचर खराब ना करें। और आखिरी सिद्धांत है, सिर्फ आस्था के हवाले करें। आप अपनी समस्याओं के दौरान हर जिम्मेदारी उठाइए, सच्ची लगन और मेहनत से काम करिए, लोगों से भी मदद लीजिए, लेकिन अपनी लीडरशिप को सिर्फ उस सर्वशक्तिमान के हवाले कीजिए, उस पर आस्था रखिए। जब भी आप डाउट्स में हों, परेशान हों, एंग्शियस हों, तो उस सर्वशक्तिमान से पूछिए, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं किस दिशा की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा करने से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे, आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी, साथ ही आपके अंदर आएगा आत्मविश्वास कि आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे लेखक द्वारा बताए गए कुछ डायनामिक एंड इफेक्टिव लीडरशिप के सिद्धांत। दोस्तों, एपिसोड 3 में लेखक ने हमें एक ऐसी राह के बारे में बताया था जिस पर हजारों लोग चले और उन्होंने अपनी मुश्किलों का सामना किया। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपनी विल पावर से वे अपनी मुश्किलों में भी डटे रहे। इस राह को लेखक ने द पॉसिबिलिटी थिंकिंग पाथ का नाम दिया है, यानी उम्मीदों से भरा रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां पर इम्पॉसिबिलिटीज से ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखी जाती हैं। ऐसा रास्ता जो आपको आपकी समस्याओं के दौरान उम्मीद देगा। इस रास्ते पर चलने से हमें खुशियां, शांति, सफलता और संपन्नता मिलती है। तो चलिए जानते हैं संक्षिप्त में इस रास्ते के बारे में और कैसे ये हमें सफलता की तरफ ले जा सकता है। बहुत से लोग अपने जीवन में आई मुश्किलों को मैनेज नहीं कर पाते, यहां तक कि वे खुद को भी मैनेज नहीं कर पाते। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसमें आप लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके उसे इस तरह मैनेज करते हैं कि उस रिसोर्स की वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज डेवलप हो सकें। लेकिन यहाँ पर हमें किसी बाहरी चीज़ को मैनेज नहीं करना, हमें अपने थॉट्स की मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। क्या आपको मालूम है, हमारे दिमाग में हर दिन 10,000 थॉट्स आते हैं और जिसमें से ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। लेखक बताते हैं कि इस रास्ते से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से सेपरेट कर सकते हैं।
लेकिन पहले ये जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स कौन से होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स वो थॉट्स होते हैं जिनमें उम्मीद होती है। उन थॉट्स में अभी हमें रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन उनके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है जो आगे चलकर हमारे जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ लाते हैं। नेगेटिव थॉट्स वो थॉट्स होते हैं जो हमें दुख और निराशा देते हैं। लेखक बताते हैं कि इम्पॉसिबल थिंकर्स ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे और पॉसिबल आइडियाज पर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। वो ऐसे कारण ढूंढते हैं जिससे वो काम ना हो सके। वे जल्द ही किसी भी अच्छे विचार का गला घोंट देते हैं और फिर उस अच्छे विचार को भूल जाते हैं। पॉसिबिलिटी थिंकर्स वो लोग होते हैं जो हर थॉट में ये ढूंढते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हैं तो वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे वे उस काम को पूरा कर पाएं। वो उस थॉट को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देते। कभी भी किसी अच्छे थॉट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस थॉट में ज़रूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम उसे अच्छे से मैनेज करें तो। लेकिन सवाल ये उठता है, हम अपने थॉट्स को इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज करें। इसके लिए लेखक ने हमें बताई हैं संभावनाओं या उम्मीदों से भरी 10 कमांडमेंट्स। आइए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। पहली कमांडमेंट है, कभी भी किसी पॉसिबिलिटी को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है। दोस्तों, हर विचार में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छिपा होता है और नेगेटिव भी। उस विचार को सिर्फ इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। रादर, आप उस विचार में पॉजिटिव को नेगेटिव से अलग करके देखिए और उस विचार में पॉसिबिलिटीज देखिए, पोटेंशियल देखिए। जो भी आपको उस विचार में नेगेटिव दिख रहा है, उस वजह से आप उस विचार के पोटेंशियल को इग्नोर मत कीजिए। दूसरी, कभी भी किसी पॉसिबिलिटी को इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। क्या आपको मालूम है, जब हम क्रेडिट के पीछे भागते हैं तो हम अपने ईगो को सैटिस्फाई करते हैं, बजाय इसके अगर आप फोकस करें कि आप अपने हाथ आई इस अपॉर्चुनिटी से लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, तो आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। तीसरी, कभी भी किसी थॉट को इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। शुरुआत में हर थॉट इम्पॉसिबल ही लगता है। जो लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वो अच्छे थॉट्स को कंसिडर करते हैं और फिर इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदल देते हैं। वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, बस फोकस्ड होकर उस एक थॉट पर काम करते रहते हैं और एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। चौथी, कभी भी किसी पॉसिबिलिटी को इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि आप पहले से फैसला ले चुके हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आप कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर ये पहले ही फैसला ले चुके हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में कोई भी स्कोप नहीं है। ऐसी सोच से बचें क्योंकि इससे हम अपनी सफलता के रास्ते खुद बंद कर लेते हैं। पांचवी, कभी भी किसी थॉट को सिर्फ ये सोचकर ना ठुकराएं क्योंकि वो गैर कानूनी है। इस पर जरा ध्यान दें। आपको कोई कानून नहीं तोड़ना है। आज कुछ ग्रेट आइडियाज सिर्फ इसलिए इम्पॉसिबल हैं क्योंकि वो इल्लीगल हैं। लेकिन किसी अच्छे थॉट को आप इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि वो इल्लीगल है। हो सकता है आपके एफर्ट से वो लॉ चेंज हो जाए। उदाहरण के तौर पर, Airbnb नाम का स्टार्टअप जब शुरू हुआ था, तब UK में शॉर्ट टर्म रेंटल्स पूरी तरह लीगल नहीं थे, लेकिन बाद में उसे लीगल कर दिया गया और आज वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। छठी, कभी भी किसी आइडिया को इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि आपके पास उस आइडिया को पूरा करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं हैं। हो सकता है वो आइडिया बहुत अच्छा हो, लेकिन आप उसे अभी इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके पास मैन पावर ना हो, मनी पावर ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और सोच समझकर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली
आप धीरे धीरे वो सभी रिसोर्सेज डेवलप कर पाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। सातवीं, किसी आइडिया को इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। अगर आप किसी नई पॉसिबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। हो सकता है आपके नए और महत्वपूर्ण विचार को कुछ लोगों से एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन सिर्फ इस वजह से आप उस एक आइडिया को मत ठुकराएं। आठवीं, इस कारण से आइडिया को रिजेक्ट कर देना कि ये मेरे काम करने का तरीका नहीं है, ऐसा एटीट्यूड आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। चेंज हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। चेंज इन थिंकिंग, चॉइसेस एंड टेस्ट, ये सभी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करती हैं। इन्हें अपनाएं। नौवीं, कभी किसी अच्छे आइडिया को इसलिए रिजेक्ट ना करें क्योंकि वो फेल हो सकता है। हर चीज में रिस्क होता है। रिस्क को उस आइडिया से अलग कर दें और फिर उस रिस्क को खत्म कर दीजिए। और दसवीं, इस वजह से एक अच्छे आइडिया को मत ठुकराइए क्योंकि आप उसमें सफल हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें अगर ये विश्वास हो जाए कि वो इस आइडिया में सफल हो जाएंगे तो वे पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल और रिच ना बन जाएं, क्योंकि उनकी ये धारणा होती है कि पैसा ही बुराई की जड़ है। इसीलिए किसी भी अच्छे आइडिया को इस वजह से ना ठुकराएं। लेकिन उनके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है जो अभी हमें रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन उनके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है जो आगे चलकर हमारे जीवन में सुख, शांति और खुशियां लाते हैं। नेगेटिव थॉट्स वो थॉट्स होते हैं जो हमें दुख और निराशा देते हैं। लेखक बताते हैं कि इम्पॉसिबल थिंकर्स ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे और पॉसिबल आइडियाज पर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। वो ऐसे कारण ढूंढते हैं जिससे वो काम ना हो सके। वे जल्द ही किसी भी अच्छे विचार का गला घोंट देते हैं और फिर उस अच्छे विचार को भूल जाते हैं। पॉसिबिलिटी थिंकर्स वो लोग होते हैं जो हर थॉट में ये ढूंढते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हैं तो वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे वे उस काम को पूरा कर पाए। वो उस थॉट को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देते। कभी भी किसी अच्छे थॉट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस थॉट में जरूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम उसे अच्छे से मैनेज करें तो। लेकिन सवाल ये उठता है, हम अपने थॉट्स को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें? इसके लिए लेखक ने हमें बताई हैं संभावनाओं या उम्मीदों से भरी 10 कमांडमेंट्स। आइए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। पहली कमांडमेंट है, कभी भी किसी पॉसिबिलिटी को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है। दोस्तों, हर विचार में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छिपा होता है और नेगेटिव भी। उस विचार को सिर्फ इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। रादर, आप उस विचार में पॉजिटिव को नेगेटिव से अलग करके देखिए और उस विचार में पॉसिबिलिटीज देखिए, पोटेंशियल देखिए। जो भी आपको उस विचार में नेगेटिव दिख रहा है, उस वजह से आप उस विचार के पोटेंशियल को इग्नोर मत कीजिए। दूसरी, कभी भी किसी पॉसिबिलिटी को इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। क्या आपको मालूम है, जब हम क्रेडिट के पीछे भागते हैं तो हम अपने ईगो को सैटिस्फाई करते हैं, बजाय इसके अगर आप फोकस करें कि आप अपने हाथ आई इस अपॉर्चुनिटी से लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे तो आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। तीसरी, कभी भी किसी थॉट को इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। शुरुआत में हर थॉट इम्पॉसिबल ही लगता है। जो लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं वो अच्छे थॉट्स को कंसिडर करते हैं और फिर इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदल देते हैं। वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, बस फोकस्ड होकर उस एक थॉट पर काम करते रहते हैं और एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। चौथी, कभी भी किसी पॉसिबिलिटी को
इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि आप पहले से फैसला ले चुके हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आप कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर ये पहले ही फैसला ले चुके हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में कोई भी स्कोप नहीं है। ऐसी सोच से बचें, क्योंकि इससे हम अपनी सफलता के रास्ते खुद बंद कर लेते हैं। पांचवी, कभी भी किसी थॉट को सिर्फ ये सोचकर ना ठुकराएं, क्योंकि वो गैर कानूनी है। इस पर जरा ध्यान दें। आपको कोई कानून नहीं तोड़ना है। आज कुछ ग्रेट आइडियाज सिर्फ इसलिए इम्पॉसिबल हैं क्योंकि वो इल्लीगल हैं। लेकिन किसी अच्छे थॉट को आप इसलिए मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि वो इल्लीगल है। हो सकता है आपके एफर्ट से वो लॉ चेंज हो जाए। उदाहरण के तौर पर Airbnb नाम का स्टार्टअप जब शुरू हुआ था, तब UK में शॉर्ट टर्म रेंटल्स पूरी तरह लीगल नहीं थे, लेकिन बाद में उसे लीगल कर दिया गया और आज वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। छठी, कभी भी किसी आइडिया को इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि आपके पास उस आइडिया को पूरा करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं हैं। हो सकता है वो आइडिया बहुत अच्छा हो, लेकिन आप उसे अभी इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके पास मैन पावर ना हो, मनी पावर ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और सोच समझकर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे वो सभी रिसोर्सेज डेवलप कर पाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। सातवीं, किसी आइडिया को इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। अगर आप किसी नई पॉसिबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। हो सकता है आपके नए और महत्वपूर्ण विचार को कुछ लोगों से एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन सिर्फ इस वजह से आप उस एक आइडिया को मत ठुकराएं। आठवीं, इस कारण से आइडिया को रिजेक्ट कर देना कि ये मेरे काम करने का तरीका नहीं है, ऐसा एटीट्यूड आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। चेंज हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। चेंज इन थिंकिंग, चॉइसेस एंड टेस्ट, ये सभी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करती हैं। इन्हें अपनाएं। नौवीं, कभी किसी अच्छे आइडिया को इसलिए रिजेक्ट ना करें क्योंकि वो फेल हो सकता है। हर चीज में रिस्क होता है। रिस्क को उस आइडिया से अलग कर दें और फिर उस रिस्क को खत्म कर दीजिए। और दसवीं, इस वजह से एक अच्छे आइडिया को मत ठुकराइए क्योंकि आप उसमें सफल हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें अगर ये विश्वास हो जाए कि वो इस आइडिया में सफल हो जाएंगे, तो वे पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल और रिच ना बन जाएं, क्योंकि उनकी ये धारणा होती है कि पैसा ही बुराई की जड़ है। इसीलिए किसी भी अच्छे आइडिया को इस वजह से ना ठुकराएं। दोस्तों, सालों पहले लेखक ने समस्याओं के समाधान का एक फॉर्मूला ढूंढा था। उन्होंने बताया कि ये एक गारंटीड फॉर्मूला है जो आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। लेखक ने इस फॉर्मूले को द पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम का नाम दिया है, यानी एक ऐसा खेल जिसे अगर हम खेलें तो हमारे सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती हैं। चलिए बात करते हैं इस खेल के बारे में संक्षिप्त में और समझते हैं इस फॉर्मूले को कि कैसे हम इसे अपनी समस्याओं पर या प्रॉब्लम्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम अपनी समस्याओं को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने मुश्किल वक्त में जीत सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी समस्या में हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप एक पेपर लीजिए और उस पर लेफ्ट हैंड साइड पर 1 to 10 वर्टिकली नंबर्स लिखिए। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है या प्रॉब्लम है, उसके जितने भी समाधान या पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हैं, उनको एक एक करके इस पेपर पर वर्टिकली 1 to 10 नंबर्स के सामने लिख लीजिए। आपके पास आपकी समस्या के समाधानों की
एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक एक करके आपने जो 10 समाधान लिखे हैं उन्हें एनालाइज करिए, और जो समाधान आपको सही ना लगे या पॉसिबल ना लगे उसके आगे आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए, और जो सही लगे या पॉसिबल लगे जिससे आपकी समस्या का समाधान निकल सके उसके आगे आप टिक का निशान लगा दीजिए। अब आपके सामने आपकी पॉसिबिलिटीज की लिस्ट तैयार है, और अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी चुनते हैं या फिर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को। उदाहरण के तौर पर अगर आप वजन कम करने के लिए जिम जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, तो आप इस समस्या के समाधान के लिए कौन सी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे? तो इस समस्या के समाधान के लिए आप एक पेपर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 to 10 तक वर्टिकली नंबर्स लिख लीजिए, फिर नंबर 1 के आगे अपनी समस्या का पहला समाधान लिखें, जैसे घर पर ही एक्सरसाइज करना, नंबर 2 के आगे 45 मिनट हर रोज पैदल चलना, तीसरा किसी एक्सपर्टीज की गाइडेंस लेकर वेट कम करना, चौथा 45 मिनट योगा करना इत्यादि। लेखक बताते हैं कि इस फॉर्मूले से आपकी समस्या जो आपको बहुत बड़ी और इम्पॉसिबल लग रही थी अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के साथ आपको अपनी वही समस्या आसान लगने लगेगी। आप अपनी हर कठिन समस्या के लिए इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर आप उसका समाधान ढूंढना ही शुरू नहीं करेंगे तो आपको उसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। वे ये भी बताते हैं कि इस फॉर्मूले को एक खेल की तरह लीजिए, ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इस गेम का नाम भी द पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम है, जिसमें पॉसिबिलिटी शब्द आता है। इस खेल में आप अपनी एक समस्या के कई सारे समाधान या पॉसिबिलिटीज अपने पॉजिटिव माइंडसेट से ढूंढ लेते हैं। दूसरा, आप एक प्लेयर के माइंडसेट से खेल रहे होते हैं, तो आप जो भी समाधान ढूंढते हैं उससे आप इमोशनली अटैच नहीं होते, क्योंकि जब हम इमोशनली अटैच होते हैं तो हमें अपने रास्ते में रुकावटें ज्यादा दिखती हैं। इस गेम को खेलने के लेखक ने कुछ फायदे बताए हैं, वो ये कि आप इसे जब एक खेल की तरह खेलते हैं तो आपको इसमें असफलता का डर नहीं होता, और समाधान ढूंढते ढूंढते आप कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेते हैं जो जोखिम से भरी होती हैं, जिससे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस खेल में आपका माइंडसेट एक अलग पॉजिटिव लेवल पर होता है, जिसमें आप पहले से ज्यादा कोशिश करते हैं, बड़ा सोचते हैं और ज्यादा पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक खेल है तो इससे आपकी इमेज पर भी असर नहीं होता है, और साथ ही आपको कोई जिम्मेदारी भी उठानी नहीं पड़ती। लेखक ने इस खेल के कुछ नियम बताए हैं जो आप ये खेल खेलते वक्त अपने ध्यान में रख सकते हैं। पहला, इस खेल को विश्वास के साथ शुरू करें कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आप अपने थॉट्स को अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट करें। दूसरा, इस खेल को अकेले मत खेलिए, इसे उन लोगों के साथ खेलें जो अपनी जिंदगी में सफल हो चुके हैं। वैसे आप इसे अकेले भी खेल सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ खेलने से हमें और भी आइडियाज मिलते हैं। याद रखिए, किसी भी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है, जो हो सकता है उस लिस्ट में से एक हो जो आपने बनाई है, लेकिन आप तभी जीत सकते हैं जब आप शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि लेखक द्वारा बताया गया ये फॉर्मूला आपको बहुत मोटिवेट करेगा, और आप भी जल्द ही अपनी समस्याओं के लिए पॉसिबिलिटी लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले अध्याय की तरफ।
आस्था यानी फेथ, एक विश्वास और उसके कई सारे रूप। किसी को भगवान में आस्था होती है, तो किसी को अपने माता पिता की सेवा में, तो किसी को गरीबों की मदद करने में आस्था होती है। अगर आप कोई काम करते हैं और आपको उसमें विश्वास है, तो आपको आस्था का फल भगवान जरूर देते हैं। किसी भी चीज में आस्था ऐसे ही नहीं बन जाती, उसको बनने में वक्त लगता है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेखक ने इस अध्याय में हमें आस्था के अलग अलग फेजेस यानी अवस्थाओं के बारे में बताया है। जैसे एक बीज को जब बोया जाता है, वो एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। पहली अवस्था में बीज बोया जाता है, फिर उसे पानी दिया जाता है, उसे हवा और धूप मिलती है जिससे वो बढ़ने लगता है, और फिर दूसरी अवस्था में उससे अंकुर फूटता है। तीसरी अवस्था में उसे पानी के साथ सही पोषण दिया जाता है, जैसे खाद डालना ताकि वो और बढ़ सके। उसके बाद उस पर छोटी छोटी कलियां लगती हैं, लेकिन अगर उसे सही वातावरण ना मिले तो उसके तने में कोई फल नहीं लगेगा। उस पर फल लगना चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था में जब फल पक जाए तो सही समय पर फसल काटना जरूरी है, नहीं तो बारिश और तेज हवाओं से या फिर ज्यादा पकने से फल जमीन पर गिर सकता है और वो सड़ सकता है। जिस तरह बीज बोने से लेकर उसकी फसल काटने तक की पांच अवस्थाएं हैं, उसी तरह आस्था की भी पांच अवस्थाएं हैं यानी फेजेस हैं। चलिए जानते हैं लेखक द्वारा बताई गई इन पांच अवस्थाओं को संक्षिप्त में। पहली अवस्था है द नेस्टिंग फेज। इस अवस्था में हमारे दिमाग में एक नए विचार का जन्म होता है। बहुत से लोग इसी अवस्था में ही बस आस्था को अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में उत्पन्न हुए उस विचार के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं, और वो विचार वहीं खत्म हो जाता है। आस्था तब बननी शुरू होती है जब आप अपने खुद के विचारों पर विश्वास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि आप भी टैलेंटेड हैं। क्या आपको मालूम है, ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने अच्छे विचारों पर विश्वास नहीं करते, और ना ही उन्हें कोई बताता है कि वे टैलेंटेड हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप को आप जैसा देखेंगे आप वैसे ही बनेंगे। ये आस्था का अटूट नियम है। दूसरी अवस्था है द टेस्टिंग फेज। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मन में आए विचार से जुड़े अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, जैसे क्या ये विचार सही है, क्या इस विचार से किसी के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करी जा सकती है, और क्या इस विचार से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। इस अवस्था में आप अपने दिमाग में आए विचारों की परीक्षा लेते हैं। अगर आप आसानी से और बिना किसी उलझन के इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएं, तो आप सही फैसले ले पाएंगे। अगर आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो आपके लिए फैसला लेना मुश्किल होगा। आस्था की तीसरी अवस्था है द इन्वेस्टिंग फेज। आपने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कितने प्रयास किए हैं? अगर इतनी कोशिश करने के बाद भी आप अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि क्या आपने हर वो कोशिश की है जो करनी चाहिए थी, जिससे कि समस्या का समाधान निकल सके। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या आपने अपने सारे एफर्ट्स लगाकर हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया है? याद रखिए कि अटूट आस्था कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, लेकिन अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी आस्था इस अवस्था में टूट सकती है। चौथी अवस्था है द अरेस्टिंग फेज। इस अवस्था में आपके रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें आएंगी, ऐसा लगेगा कि आपकी हार निश्चित है। इस अवस्था में ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है, और वो ये देखता है कि क्या हम सचमुच उस पर विश्वास करते हैं। अगर हमें सफलता मिलेगी तो क्या हम उसे भूल तो नहीं जाएंगे, और क्या सफलता मिलने के बाद भी हम विनम्रता से उस सफलता को संभाल पाएंगे।
इस अवस्था में आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी आस्था को टूटने ना दें। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने सपनों पर भरोसा रखें और अपने आघातों से ज्यादा अपनी उम्मीदों पर भरोसा रखें। पांचवी और आखिरी अवस्था है द क्रेस्टिंग फेज, यानी जीत की अवस्था। आप इतने संघर्षों के बाद इस अवस्था में पहुंचे हैं, अब आपके सर पर जीत का सहरा बंध चुका है, तूफान थम चुका है और अब सब कुछ शांत हो गया है और फिर से आसमान में सूरज चमकने लगा है। जो लोग इतनी मुसीबतों के बाद भी बढ़ते रहते हैं, डटे रहते हैं, वो सफल हो जाते हैं और दूसरों के लिए वे एक प्रेरणा का सोत्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आस्था की पांच अवस्थाएं। जितना आप अपनी विल पावर से अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे, उतनी आपकी आस्था धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। दोस्तों, रॉबर्ट एच शुलर द्वारा लिखी गई ये किताब टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, जिंदगी के हर मुश्किल दौर में हमारा साथ दे सकती है। इस अध्याय में लेखक ने हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया है कि कैसे हम प्रार्थना की शक्ति से असंभव को संभव बना सकते हैं। एक वक्त आता है जब हम अपनी जिंदगी में समस्याओं से जूझते जूझते थक जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब बहुत हो चुका है और कितने इम्तिहान लेगा ईश्वर हमारे। जब आपने अपनी समस्या के लिए हर समाधान ढूंढ लिया हो, यहाँ तक कि उम्मीदों भरे रास्ते से भी आपको कोई उम्मीद ना मिली हो, तो ऐसे समय में आपका ईश्वर से संपर्क टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उस सर्वशक्तिमान से जुड़े रहते हैं तो वो आपको हारने नहीं देता। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जोड़े रखती है। लेखक ने भी हमें इस अध्याय के माध्यम से समझाया है कि जब आपके जीवन में संघर्ष हो और आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकने लगे हो, तो ऐसे वक्त में आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, कैसे अपने अंदर एक फ्रेश एनर्जी लाएंगे ताकि आप बिखरे नहीं। आप इस किताब की सच्चाई को कैसे साबित करेंगे, इसके लिए लेखक ने हमें एक शब्द बताया है, रिन्यू, जिसका मतलब है फिर से शुरू करना, जो इंग्लिश के पांच लेटर्स से बना है, RENEW। इस शब्द में आए लेटर्स के माध्यम से लेखक ने हमें एक उम्मीद दी है कि कैसे हम मुश्किल वक्त में एक फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। R stands for review your past। शांति से बैठकर अपने अतीत के बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन चला रहा है। अपने आप से पूछें कि इस जीवन की यात्रा में आपके साथ कौन से लोग थे, आपकी इमोशनल एनर्जी का सोर्स क्या था। अपने आप से पूछिए कि अतीत में आपको कौन प्रेरित करता था, अब आपके अंदर का उत्साह कहाँ गया। क्या पास्ट में कोई ऐसा लक्ष्य या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको प्रेरित किया हो, क्या अब वो लक्ष्य पूरा हो गया है या वो व्यक्ति चला गया है, क्या आप अपने लक्ष्यों से पीछे हट गए हैं या फिर अब आपने अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और क्या यही वजह है जिससे आपका उत्साह खत्म हो गया है। आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस कहाँ से आते थे, उसकी जड़ क्या थी। आप अपनी लाइफ को केयरफुली रिव्यू कीजिए। ई स्टैंड्स फॉर एग्जामिन ऑल दी पॉसिबिलिटीज। आप अपने गोल्स किस तरह सेट करते अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग होती, अगर आपके पास प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स होते, सपोर्ट सिस्टम होता, एक मार्केटिंग सिस्टम होता और आपके साथ सही लोग होते और आपको मालूम होता कि आप असफल नहीं हो सकते थे। जितना आप सोचेंगे
उससे कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटीज सामने निकल कर आएंगी। इन सभी पॉसिबिलिटीज को एग्जामिन कीजिए। N stands for name the price you are willing to pay। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो क्या आप अपने आप को एजुकेट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाकर गाइडेंस लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपके बिजनेस की डिमांड किसी और शहर में है तो क्या आप अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार हैं? जब आप किसी चीज को इतनी गहराई से चाहते हैं तो आप सब मुसीबतें पार कर लेंगे। E stands for elect the best possibility, no matter what the price is। हमेशा सबसे अच्छा चुनें, चाहे उसकी कुछ भी कीमत हो। साधारण चुनने से आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। बी कमिटेड टू एक्सीलेंस, उससे हमें जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। W stands for wait and work। अपने संघर्षों के दौरान सबसे मुश्किल काम है धैर्य यानी पेशेंस रखना, लेकिन हमें अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी और ईश्वर की कृपा से हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन और मदद जरूर मिलेगी। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि मुश्किल वक्त में हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे समय में हमारे अंदर मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की कमी हो सकती है, लेकिन प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिससे हमें ईश्वर से ऊर्जा मिलती रहती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब आप अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो ऐसे समय में कोई भी नेगेटिव डिसीजन ना लें जिसे हम वापस बदल ना सकें। वे ये भी बताते हैं कि अगर आप सब्र रखेंगे तो ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। दोस्तों, ये थी लेखक द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण सीख। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीख को अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस किताब के तीसरे और अंतिम भाग की तरफ, जिसका नाम है शुरुआत करना मतलब आधा काम हो जाना। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि जब भी हमारे जीवन में मुश्किल वक्त आता है तो हमें लगता है कि अब जीवन भर ये मुश्किलें हमारे साथ ही रहेंगी। हालातों की वजह से हम आने वाले कल को भी नेगेटिव वे में देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी कोई भी समस्या हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाली, वो एक ना एक दिन चली जाएगी। हम अपनी समस्याओं से इतने घिर जाते हैं कि हम अपने अंदर के पोटेंशियल पर डाउट करने लग जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना और साहस के साथ अपने आने वाले कल में कदम रखना है। दोस्तों, लेखक ने हमें इस अध्याय में कुछ यूजफुल टिप्स बताए हैं कि हम अपने मन में आए विचारों को यानी थॉट्स को किस तरह ट्रीट किया करें। जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो आप अपने आप को उस विचार के प्रति समर्पित कर दें। अगर आपके सामने आपका कोई लक्ष्य है और उससे जुड़ी कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप इंतजार मत कीजिए। अपने आप को ये मत बताइए कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में करूंगा, या फिर अपने आप को कोई ऐसा सुझाव मत दीजिए जिससे आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एक रूटीन बनाएं, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाएं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको इस रूटीन को फॉलो करने में थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन 2-3 दिन में ही आपको इसकी आदत हो जाएगी। बस ये याद रखिए कि आपकी जीत तभी होगी जब आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढना शुरू करेंगे। इस अध्याय में लेखक ने बड़े ही क्रिएटिव वे में इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स A to Z की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने हर अल्फाबेट से एक एक्शन वर्ड बनाया है जिसे उन्होंने पॉसिबिलिटी थिंकिंग एक्शन वर्ड का नाम भी दिया है।
यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें एक नई उम्मीद मिलेगी और जिसे पढ़कर हम अपने जीवन में पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। वो ये भी चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस लिस्ट में दिए गए एक्शन वर्ड्स को पढ़ें, वैसे वैसे हम भी हर अल्फाबेट से एक्शन वर्ड्स की लिस्ट बनाएं जो हमें प्रेरित करे और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्शन वर्ड्स की इस लिस्ट को पढ़ना। पहला है ए, विच स्टैंड्स फॉर अफर्म। अफर्म कीजिए यानी दृढ़ता से कहिए आप ये काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नौकरी पा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इत्यादि। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखें कि एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट। अपने आप से संकल्प करें कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और इस रास्ते को बीच में नहीं छोड़ेंगे। डी स्टैंड्स फॉर डेयर। डेयरिंग बनिए यानी साहस दिखाइए, कोशिश करने का साहस दिखाइए, संकल्प करने का साहस दिखाइए और रिस्क लेने का साहस दिखाइए। अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेट। अपने आप को हर तरीके से एजुकेट कीजिए। हर वो रास्ता जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद करे आप उस पर चलिए। हो सकता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत हो, उसे जरूर लीजिए। ये कठिन हो सकता है लेकिन अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो आपको सफलता कहां से मिलेगी। एफ स्टैंड्स फॉर फाइंड। हर उस चीज को ढूंढें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा, चाहे वो पॉसिबिलिटीज हो, पैसे हो, टाइम हो या फिर सही तरीके हो। और जब हर मुश्किल को पार करके आप वो चीज ढूंढते हैं तो वो अनमोल होती है। जी स्टैंड्स फॉर गिव। लेने से ज्यादा आपकी भावना देने की होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके अंदर लेने से ज्यादा देने की भावना होनी चाहिए। आपका एम उस कंपनी को पहले से ज्यादा सक्सेसफुल बनाने का होना चाहिए। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं और जब भी वो ऐसा करते हैं वे जीवन में कुछ नया सीखते हैं। एच स्टैंड्स फॉर होप यानी उम्मीद। कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, डटे रहिए और पीछे मत हटिए। आप जल्द ही सफल होंगे। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिन यानी कल्पना। अपनी समस्याओं के समाधानों की कल्पना करें, अपनी अचीवमेंट्स की कल्पना करें और कल्पना करें कि आप सफल होने वाले हैं। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिन यानी कल्पना। अपनी समस्याओं के समाधानों की कल्पना करें, अपनी अचीवमेंट्स की कल्पना करें और कल्पना करें कि आप सफल होने वाले हैं। जे स्टैंड्स फॉर जंक यानी जो हमारे लिए यूजफुल ना हो। हमारे दिल और दिमाग में कई सारे विचार और भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, उन्हें निकाल दीजिए। अगर ये जंक आपके अंदर रहेगा तो ये आपके लिए रुकावटें पैदा करेगा। के स्टैंड्स फॉर नॉकआउट। नॉकआउट दी डिप्रेशन। अपने अंदर की उदासी और निराशा को बाहर धकेल दीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपके जीवन में मुश्किल आ गई है तो आप निराश मत होइए, उठिए और संघर्ष कीजिए, डटे रहिए और फिर मुश्किलें चली जाएंगी। एल स्टैंड्स फॉर लाफ यानी हंसना। जो इंसान अपने आप पर, अपनी मुश्किलों में और अपनी गलतियों पर हंस सकता है वो अपने जीवन में कैसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और वो सफल हो जाता है। एम स्टैंड्स फॉर मेक इट हैपन यानी कर दिखाएं। आप अपनी समस्याओं के समाधान तभी निकाल सकते हैं जब आप उन्हें मैनेज करेंगे। अगर आप सफल होने का सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए बस कर दिखाएं। एन स्टैंड्स फॉर नेगोशिएट
जिसका मतलब है समझौता करें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपने जो सोचा था उससे अगर आपको थोड़ा कम मिले तो आप समझौता करना सीखें। O stands for overlook and overcome, यानी नजरअंदाज करना और ऊपर उठना। सफलता के रास्ते पर आपके सामने बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको लोग निराश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें नजरअंदाज करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको उनसे ऊपर उठना होगा, उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। पी स्टैंड्स फॉर प्रिजर्व, यानी डटे रहिए। लेखक हमेशा कहते हैं कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। संघर्षों में भी अगर आप हार नहीं मानते और डटे रहते हैं तो आप जीतेंगे। जीतने का मतलब ये नहीं कि आप पहले स्थान पर आए, अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा दें तो आप जीतेंगे। क्यू स्टैंड्स फॉर क्विट, यानी छोड़ दें। ये शिकायत करना छोड़ दें कि मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हैं। जो बीत चुका है उसकी तरफ ना देखें, जो बचा है उस पर ध्यान दें। आर स्टैंड्स फॉर रीऑर्गेनाइज, यानी व्यवस्थित करें। अगर आपको अब तक सफलता नहीं मिली तो आप अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करें। चाहे आप सफल हो या असफल, कई बार आपको आपके जीवन के कुछ हिस्सों को दोबारा व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। S stands for share, यानी बांटें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, उन लोगों को अप्रिशिएट करें जिन्होंने आपकी मदद करी है और जिन्होंने आपके मुकाम तक पहुंचाया है। T stands for trade off, यानी अदला बदली करना। अगर आपको सफल होना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी कि आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है। U stands for unlock, उन ह्यूमन वैल्यूज को अनलॉक कीजिए जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं करी, जैसे आस्था, उम्मीद और प्रेम। इन्हें अपने जीवन की प्रेरणादायक शक्ति बनने दें जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी। वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइज, अपने सपने की तस्वीर आप सामने रखें, उसको अपनी आंखों से कभी भी ओझल ना होने दें। याद रखिए, अपने आप को आप जैसा देखेंगे, जिस मुकाम पर देखेंगे आप वैसे ही बनेंगे और वही पहुंचेंगे। अपने सामने सफलता की तस्वीर रखें और फिर आप सफल होंगे। W stands for work, यानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें मेहनत करनी होगी। X stands for x-ray, एक्सरे करें कि आपका उद्देश्य क्या है। अपने आप से महत्वपूर्ण सवाल पूछिए, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी की आपको करनी चाहिए, और फिर ये पूछें कि जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो क्या आप संतुष्ट होंगे। Y stands for yield, यानी सौंपें। आप Z तक पहुंचने वाले हैं। अब तक आपने अपने आप से ये पूछा है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, क्या मैं खुश रहूंगा। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर ली है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। अब आप अपना जीवन, अपनी समस्याएं ईश्वर को सौंप दें। लेट गो एंड लेट गॉड हैंडल नाउ। Z stands for zip it up। आप जब विश्वास के सहारे जीते हैं, ईश्वर के साथ जुड़कर सही दिशा में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, इसी अध्याय के साथ ये किताब टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, यानी मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं, यही समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको इस बुक समरी से बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, ये जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है।
हर एक के जीवन में मुश्किलें आती हैं। मुश्किल वक्त में अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए, हिम्मत मिल जाए, अपने संघर्षों में हमें डटे रहने की शक्ति मिल जाए और ईश्वर का साथ मिल जाए, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे और सफल भी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अब वक्त आ गया है आप सब से विदा लेने का। आपको आपके जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है तो आप इसे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं।